हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हियर इज इकिल अखवानी, साइंस टीचर। आज अपन डील करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज अपन अपने जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज अपन बात करेंगे लाइजोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो पहला है अपने पास लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या होता है? दिस आर टीनी लाइक ग्रेनुअल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, ये छोटे छोटे ग्रेनुअल्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ग्रेनुअल्स होते हैं जो किसको कंटेन करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करते हैं। दिस आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, और ये सिंगल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होते हैं? बाउंडेड होते हैं। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग्स, और इनको अपन सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे अपना ये सेल होता है, तो यहाँ पे ये जैसे न्यूक्लियस हो गया, तो यहाँ पे जो ग्रेनुल्स होते हैं ना, ये बहुत ही टीनी होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे ऐसे सर्कल शेप के, आप मान लो स्क्वायर शेप के ही होते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे ग्रेनुल्स होते हैं जो क्या करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को क्या करते हैं? कंटेन करते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन देखते हैं, तो इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? डाइजेशन होता है। डाइजेशन क्या होता है? क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करते हैं, इसलिए ये डाइजेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। मतलब इनका मेन फंक्शन क्या होता है? किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर लेना। दे आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ये एक तरीके के ये समझिए कि वेस्ट डिस्पोजल ही होते हैं। ठीक है, तो हेल्प इन डाइजेशन फॉरेन एंड सेल मटेरियल्स। ठीक है, ये जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या फॉरेन मटेरियल्स बोले, या सेल के अंदर के जो मटेरियल है उनको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये कोई यहाँ पे अपने पास क्या है, ये एक अपने पास लाइजोसोम है। अब बाहर से कोई एक ऐसा मटेरियल आया जो क्या है, सेल को हार्म कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? जो सेल को हार्म कर सकता है उसको ये क्या कर लेते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर सेल के अंदर भी कोई ऐसा सब्सटेंस है जो क्या कर सकता है? सेल को हार्म करता है, तो उसको भी ये क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको अपन सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। मैंने आपको बताया ना, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग्स। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? इट इज अ रोड शेप्ड स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में एक रोड शेप स्ट्रक्चर होता है। रोड शेप स्ट्रक्चर मतलब कैसा होता है? जैसे मान लीजिए इस टाइप का एक स्ट्रक्चर, इस टाइप से ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, और ये जो प्रेजेंट होता है ना, ये प्रेजेंट सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसको अपन पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे अपन सुसाइड बैग्स कहते हैं, तो इसको जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको अपन क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके फंक्शन देखते हैं अपन। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? कि एनर्जी को प्रोड्यूस करना और उसको स्टोर करके रखना। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म अपन को बता होना चाहिए, क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट है इट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है। ठीक है, डीएनए का भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, एक मेन क्वेश्चन आता है यहाँ से कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को अपन पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को अपन पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं बिकॉज इट सिंथेसाइज एनर्जी, क्योंकि ये क्या करता है? एनर्जी को सिंथेसाइज करता है, बोले एनर्जी को प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है ना, विच इज वाइटल फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस, जो कि अपनी बहुत सारी जो लाइफ प्रोसेस होती है उनके लिए बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को अपन पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो इस तरीके से आज अपन ने अपने दो सेल ऑर्गेनेल्स को और कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब होपफुली आने वाले लेक्चर में बहुत जल्दी अपन ये चैप्टर भी क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।